ओडिशा के लोग शिवा भाई शिवाजी सेंटर वेट 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 बहुत बढ़िया आइए सर भाई बाद में सेंटर ओके सर थैंक्स सर चलो डन थैंक यू बहुत बढ़िया सर बेटा इधर बेटा इधर ऑल ऑफ यू शुक्रिया बैक फॉर अरे आते अंदर कर दो बाइक कर ले हां चलो बाइक ले लिक्विड को वेट वेट वेल माय नेम इज अमित मिश्रा आई एम बेसिकली नेटिव ऑफ सुल्तानपुर यूपी जी मेरा नाम अमित मिश्रा है ये मेरी डेब्यू मूवी है मैच ऑफ लाइफ जैसा कि आप इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट ओनली जा सकते हैं कि मैच ऑफ लाइफ एक आदमी की जिंदगी का मैच टॉकिंग अबाउट दिस मूवी माय कैरेक्टर आप पोस्टर पे भी देख सकते हैं इट्स नॉट पाजी इट्स मी आधे लोगों को अभी तक ये डाउट है कि पाजी का पोस्टर यहाँ कैसे लगा रखा है तो इट्स मी इन द पोस्टर मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं पाजी का लुक लाइक हूँ तो मेरी ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है तो वो दैट वी आर शोइंग इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल कॉमेडी एंगल इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक इफ वी टॉक अबाउट इट्स वेरी हिट इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक कॉमेडी एंगल हमने इसलिए रखा है कि मेरी लाइफ में क्या क्या इंस्टेंसेज हुए हैं उसको वी आर शोइंग इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी ऑल्दो देर इज वेरी मच मोटिवेशन एंगल ऑल्सो कि इफ समवन इज अ लुक लाइक ऑफ समवन की दैट्स डिपेंड्स अपॉन हिम की हाउ ही कैन कैरी फॉरवर्ड विद दैट यू कैन से विद दैट फेस एंगल हाउ ही कैन गो अहेड विद इट इस मूवी में मेरा जो करेक्टर है बिल्कुल हटके है जो ना तो आज तक आपने बॉलीवुड में कहीं देखा होगा आने वाले टाइम पर ज़रूर देखेंगे जो कि 2019 में रिलीज़ हो रही है हमारी मूवी मैच ऑफ लाइफ जिंदगी का मैच मेरी जिंदगी का मैच कि मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से खेली विराट की ज़िंदगी का मैच कि विराट ने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से खेली हमारे थर्ड करेक्टर हैं मिस्टर बंटी चोपड़ा उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से खेली क्या कहना चाहेंगे आपको कब लगा कि आप हूबहू विराट कोहली जैसे दिखते हैं वेल पाजी जब अंडर 19 क्लियर करके आए जब पाजी का फर्स्ट इंटरनेशनल डेब्यू हुआ तो आई वॉज इन क्लास 12 तो राइट फ्रॉम यू नो एट द वेरी मोमेंट मुझे लगने लगा इवन मुझे तो बाद में लगने लगा व्हेन पीपल स्टार्टेड सेइंग कि यू आर अ लुक अलाइक ऑफ विराट सो उस एंगल को मैंने किस तरह पॉजिटिव लिया किस तरह नेगेटिव लिया दैट वी आर शोइंग और ये टोटल कॉमेडी है बिकॉज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इज कि आज के लाइफ में पीपल आर वेरी मच बिजी इन टर्म्स ऑफ देयर डेली शेड्यूल्स अगर उनको दो घंटे का कोई कॉमेडी दे सकता है तो इट्स यू नो कि ऊपर वाला रहम करता है तो इट्स बेनिफिट मिलता है इसका सर ये हम मूवी में दिखाएंगे कितना बेनिफिट मिल रहा है और कितना नेगेटिविटी है मेरे साथ इस चक्कर में पाजी डक पे आउट होते तो पिटता मैं हूँ
जितने भी डुप्लीकेट है सचिन का डुप्लीकेट है, सचिन का कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, कहीं भी जाता है सचिन अपने खर्चे पे उसको बुलाता है। आपके साथ कभी ऐसा विराट कोहली ने आपको फोन किया हो या? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें पाजी का कोई इंटरवेंशन नहीं है, ना ही वी आर शोइंग एनी ग्राउंड शूट्स, नाइदर वी आर टेकिंग द नेम ऑफ पाजी। ये मेरी लाइफ की ऑलमोस्ट यू कैन से कि मेरी लाइफ की स्टोरी है इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी। भाई का कैरेक्टर जो है कि एक आदमी रात में क्या चेंज होता है, एक तो व्हाट वी आर शोइंग इज अ मेलो ड्रामा, कि कितना पॉजिटिविटी वी आर टेकिंग विद दिस मूवी दैट वी आर ट्राइंग टू शो। इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक ऑल्सो इट्स वेरी हिट, वेरी रोमांटिक सॉन्ग्स, वेरी ऑन द मूवी इज ऑलमोस्ट यू कैन से 70% ऑन टू दिस कॉमेडी पार्ट, 15% ऑन टू ब्रोमैंस बिटवीन अस एंड 15% ऑन टू मोटिवेशन। इस फिल्म में जो पोस्टर है आधा मर दिखाया गया है, क्या ये भाई का कॉन्सेप्ट है? ये जो मेरा पोस्टर है इसमें मैं आधा लड़का हूँ और आधा लड़की हूँ। एक इंसान है एंग्री मैन, हर किसी को मारना, लड़कीबाजी करना, ये सब होता है। रात को उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं उसे खुद पता नहीं चलता, सुबह उठता याद भी नहीं रहता उसे। बस इससे ज़्यादा मैं कोई सस्पेंस रिवील नहीं कर पाऊँगा। सर मेरा राइट फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट एक कॉमेडी एंगल है कि दैट इफ यू टॉक अबाउट, ये एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ प्लॉट है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। इट्स टोटल कॉमेडी। अभी वंस वी रिलीज द ट्रेलर यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, सो जस्ट वेट फॉर द ट्रेलर। वी हैव जस्ट रिलीज, यू नो, खुद पूरी मचाई है। यू गाइज वेट फॉर दिस मूवी, इट विल बी अ वेरी ग्रेट बैंग इन टर्म्स ऑफ वी टॉक अबाउट द मीडिया इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड फिल्म। जी वेल अभी तक तो अनुष्का नहीं है, लेट्स सी रियल लाइफ में अनुष्का कब आती है मेरी। वैसे पाजी की तो अनुष्का हो चुकी है। आप अनुष्का से कितना प्यार करते हैं? मैं अनुष्का से प्यार नहीं करता हूँ, पाजी प्यार करते हैं। क्यों नहीं करते अनुष्का? नहीं ये तो ये आप मुझे गिरा रहे हैं। जी देखिए पाजी और अनुष्का का ऐसा है कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन टू हिम। मैंने पाजी से सिर्फ एक चीज़ सीखी है, वो है डेडिकेशन। पाजी का सिर्फ एक चीज़ कहना होता है, जिस फील्ड में तुम वॉट एवर द फील्ड यू आर, जस्ट गो एंड बी बिग ऑन टू दैट फील्ड। पाजी अपने फील्ड के विराट हैं और मैं इस मूवी के विद द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस मूवी मैं अपनी फील्ड का विराट बनना चाहता हूँ। जी कुछ वेल क्रिकेट का सीन ऐसा तो नहीं आएगा, बट यू विल सी समथिंग वेरी टिपिकल कि आज तक जिसे इंडस्ट्री ने नहीं दिखाया। जस्ट वेट, अगर मैं सारे सस्पेंस अभी रिवील कर दूंगा तो राइट फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट यू विल गेट टू नो। तो थैंक यू। शिवाजी क्या कहना चाहेंगे, आज एक फिल्म का मुहूर्त हुआ है और एक क्रिकेटर का डुप्लीकेट उसके साथ, आप क्या किरदार रहा? ये फिल्म का नाम है मैच ऑफ लाइफ। ये तीन लड़कों की कहानी है, उसमें विराट कोहली का डुप्लीकेट भी है और एक लड़का जो नया इंट्रोड्यूस हो रहा है और एक एक्टर है जो विवेक कबड़े के साथ एक फिल्म कर चुके हैं, दैट इज थ्री हीरो ऑफ द फिल्म। एंड आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ डायरेक्टर इन द फिल्म हुज अ कॉमिक कैरेक्टर बट कमीना है, जो मेरी शक्ल से नज़र आता है। तो मुझे जब ये स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तो मुझे कुछ डिफरेंट लगा, एक हट की फिल्म नज़र आई। और वाकई में जब मैंने सुना तो मैंने बोला ये हट की फिल्म है, क्योंकि इसका जो बेसिकली जो सार है वो बस इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक लाइन का जो रिवीलेशन है वो अगर मैं कह दूँ तो पूरी फिल्म नज़र आ जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप फिल्म देखें। फिल्म का नाम है मैच ऑफ लाइफ।